कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नीट 2021 के बच्चों को और सीबीएसई 2021 के बच्चों को देखना चाहिए ये सेशन जो अभी आने वाला है लाइव। सो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? क्या आप सब कुछ देख पा रहे हो? इज एवरीथिंग फाइन? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मुझे बताओ एक बार। सामने एक बढ़िया सा सुंदर सा टिकाऊ सा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इज दैट विजिबल? कम ऑन डूड, फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ क्या आप लोग देख पा रहे हो। कम ऑन डूड, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आने वाला हूँ, इंतजार किस बात का? एक बार मुझे बता दो क्या मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? देख तो नहीं पा रहे हो? भूत भूत, अच्छे बच्चे क्या लिख रहे हैं? भूत आ गया, भूत आ गया। सर तो दिखाई दे नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है। सही बात है, सही बात है। केम छो, मजा मचो। तो चलिए हम आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, है ना, तो अपन क्या करने वाले हैं? यस गाइज, अपन करने वाले हैं ये सवाल। ये सामने एक सवाल दिया होगा, है ना, और उस सवाल में अब देखो आप लोग, उस सवाल के अंदर क्या है। सवाल में लिखा है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू। ये सवाल है, मतलब किस तरह का आइसोमरिज्म इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सवाल में चार ऑप्शंस भी हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है, और फिर हमारे हाइड्रेट आइसोमरिज्म, है ना, फिर आपके पास दिखाई दे रहा है सब लोगों को, फिर आपके पास आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, और फिर आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, तो यू हैव फोर ऑप्शंस, लिंकेज आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। अब आप लोगों के, सर आप कहाँ पे हो? मैं आने वाला हूँ, चिंता क्यों करते हो, मैं तो आऊँगा ही ना यार, मैं कहाँ जाऊँगा? अरविंद अरोड़ा तो आएगा ही आएगा, तुम बताओ तुम किधर छो, चिंता काय को करते छो, हम आएंगा छो। तो फाइनली यहाँ पर 507 बच्चे अभी देख रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। और आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से क्या आंसर होगा भाई? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू, लिंकेज आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ये क्वेश्चन आपके पास। सो चलें शुरू करें आज के सेशन को। नन्नू सर नालायक, नन्नू सर के बच्चे, चार्ट देख रहा हूँ मैं। तानिया शर्मा, तानिया शर्मा ये ए, अच्छा तो अब चलो अपन शुरू करते हैं फटाफट से। बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफी बच्चे फटाफट से बढ़िया आंसर दे रहे हैं। आंचल पटेल, हर्ष सिंह, अंशु, उसके अलावा केशव, एसवी, मौली, अमित, उसके अलावा आशुतोष, है ना, उसके अलावा रवि, सोनाली, बनेश, पुष्पा, अमित, पायल, ज्योति, गगन, ओके अमेजिंग। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। काफी लोगों ने अभी आंसर दे ही दिया है। अब आप लोग कहोगे सर आप कहां पर हो, कहां पर हो, कहां पर हो, तो मैं आ गया हूं मेरे प्यारे बच्चों। सो आई एम हियर, आप मुझे सुन पा रहे थे? कई लोग मुझे भूत भूत बोलने लग गए थे कि सर की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, सर कहां पर है? तो चलो चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। सो चलें शुरू करें फटाफट से। आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर द टुडे सेशन? और आज का सेशन क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, और अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये है लेक्चर नंबर 3 है के 4 है कुछ तो है, बट जो भी है तो पता लग जाएगा अभी। हाँ आ गया, लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम लोग आइसोमरिज्म करेंगे, स्पेशली आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये दो टॉपिक हैं फटाफट जो हमें करने हैं। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को खत्म करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज की जो स्लाइड्स प्रिपेयर की है वो कार्तिका सिंह ने की है, और जो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो गलत बात, मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अपनी है फैमिली, अपना है परिवार। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का मेंटर, इंतजार किस बात का, है ना, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और यार अपनी फैमिली अपने परिवार को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए इसके अलावा बाकी बच्चे जब तक जुड़ते हैं, 2021 और 2022 के बैच की थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। सो इन दैट केस क्या है, लॉन्ग टर्म बैच है, मजा आ जाएगा आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो। 5000 से ज्यादा टीचर्स, ओ माय गॉड, ओ सॉरी, 5000 से ज्यादा लाइव आवर्स की स्टडी। इसके अलावा 20 से ज्यादा टीचर्स हैं जिनको 5000 सालों का एक्सपीरियंस है, 10000 ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, और आपको फुल एक्सेस मिलेगा। और अगर आप लोगों को बाकी में ज्वाइन करना है तो गोल्डन चांस आपके पास। सो 6 मंथ्स
जो फीस है बेसिकली 5200 और 12 मंथ का फीस तो और भी बहुत कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ए प्रो कूपन कोड है जिसको आपको लगाना है और फटाफट से ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ए प्रो कूपन कोड है, फटाफट से लगाओ, हो जाओ तैयार मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप मंथन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंथन बैच भी अवेलेबल है, मंथन बैच के लिए जो कूपन कोड है बेसिकली वो भी क्या है, ए प्रो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सो 12th ऑफ अक्टूबर के बाद 15th ऑफ अक्टूबर से भी शुरू हो रहा है, तो इंतजार किस बात का, 20% डिस्काउंट यहां पर भी है। और अगर आप महानायक के साथ यानी कौन बनेगा करोड़पति जो खिलाते हैं हमेशा, बिग बी के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलना चाहते हैं और हॉट सीट पे बैठना चाहते हैं, तो वेदांतु देता है आपको मौका। और उसके लिए आपको क्या करना है, वेदांतु के ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे जाके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा वो कंप्यूटर महाशय और हमारे महानायक के साथ बैठ के क्या देखेगा, खेलेगा, देखेगा नहीं कौन बनेगा करोड़पति, लाखों करोड़ों रुपए आप जीत सकते हो। तो जाओ फटाफट से डाउनलोड करो, इंतजार किस बात का है मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशंस की डिटेल है, सुबह 2 दीक्षा मैम के सेशन हुए थे, हमारे सचिन बाबा के 2 सेशन हुए, उसके बाद अब मेरे 2 सेशन, दूसरा सेशन है, एक सेशन अभी खत्म किया है, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 खत्म कर दिया आज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच गया अपन, है ना। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। आर यू गाइस एक्साइटेड एंड रेडी, प्लीज टेल मी, क्या बात है, राइम बना दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3, आर यू गाइस एक्साइटेड एंड रेडी, प्लीज टेल मी। चलिए तो सबसे पहले तो रीकैप कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 में क्या किया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ा था कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बताया था, नंबर ऑफ लोन पे डोनेटेड, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पढ़ा था, ठीक है, और उसके अलावा आईओपैक नोमेनक्लेचर किया था। तो ये सारे टॉपिक हमने कल किए थे, आप लोगों को पता होगा। तो आज सबसे पहले तो जो कल होमवर्क दिया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैंने आपसे कहा था कि घर पे होमवर्क करना है, किस किसने कर लिया, एक बच्चे ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला, सर, लड़का था लड़की थी पता नहीं, पर उसने फोटो भेजी, उसने बोला कि सर मैंने ना कल का होमवर्क कर लिया, है ना। सो कल का होमवर्क देखो, यहाँ आयुपैक नेम लिखना था, उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर बताना था और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप जरा चेक करो, यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपके पास लिगेंड है, ये आपके पास लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है। पहले आप पॉजिटिव को लिखोगे तो अच्छा, अब आप इस केस में आप ये भी निकाल लो कि भैया पॉजिटिव को लिखने से पहले आप ये भी जान लो कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है उस पर चार्ज कितना है। तो इस क्लोरीन पे टोटल चार्ज है माइनस का 2 क्लोरीन है, इस क्लोरीन पे माइनस का चार्ज है 1, क्योंकि एक ही क्लोरीन है, तो टोटल मिला के 3 क्लोरीन है ना, ये दिख रहा है सब लोगों को, तो माइनस का 3 इसके ऊपर हो गया, इस पे 0 है, तो इस पे कितना होगा, प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोबाल्ट की वो तो कितनी है, प्लस का 3, सबको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो अमोनिया 5 है और एक क्लोरीन है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया 5 है और एक क्लोरीन है। अब चलो नाम लिखते हैं इसका, नाम कैसे लिखोगे इसका, सबसे पहले पॉजिटिव एंटिटी में लिगेंड को लिखा जाता है, लिगेंड में सबसे पहले एमाइन को लिखा जाएगा, तो लिखोगे पेंटा एमाइन, लिखोगे पेंटामाइन, पेंटामाइन, उसके बाद क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो, उसके बाद लिखोगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर क्या लिखोगे, क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। किस किस ने सही बताया था, पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कितनी डॉक्टर वाली राइटिंग है, मतलब मैं पिछले जन्म में मैं डॉक्टर ही था, ठीक है, सो दिस इज पिछला जन्म में मैं डॉक्टर था। जल्दी से बताओ, कम ऑन डूड, किस किस का सही है, वेरी गुड, पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये नाम बनेगा सारी उम्र हम, किस किस के आंसर सही है, मरमर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो, ना 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 ना। मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं नहीं क्या, इसलिए घर पे ना, घर पे लगाने का अलग ही मजा है, नहीं गिटार थोड़ा सा सुसू सा है ऐसा है, ना 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 ना। किस किस का सही है जल्दी से बताओ, ना 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 ना। Give me some sunshine. क्लोरिडो क्यों आएगा, अरे तो ये लिगेंड नहीं है क्या, ये लिगेंड नहीं है, ये कोई तो क्लोरिडो क्लोरिडो करता रहता है, ये इसका नाम बनेगा, आंसर बता दिया मैंने, पर ये इसका नाम है तो ये बेटा ये क्या है जरा बताओ मुझे, क्लोरिडो लगा लो ना, ये रहा देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोरिडो, ये भी तो लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन को बाहर लिखा है, ये रहा अभी तक भी यही पूछ रहे हो तुम,
ऐसे नहीं, वो रॉक रॉक बैंड होता है, हम तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, हम कौन से रॉक स्टार है नहीं क्या ऐसा करें गंदी सी आवाज में नहीं Give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na. One song, please. तो चलो गाने से शुरुआत करते हैं. गाना कौन सा है? दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, के अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. रहने देते हैं, ज्यादा हो गया. चलो. दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने. चलो, तो ये सवाल था, इसका जवाब दे दिया मैंने आपको. अगला जो सवाल था बेसिकली वो भी देख लेते हैं. तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली थी, वो हमने कर लिया. वो दूसरा सवाल था, व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस, इसका आयुपैक नेम क्या होगा. तो इसका नाम आयुपैक नेम पूछा था. तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, डायामाइन, ठीक है, उसके बाद क्लोरिडो, उसके बाद ये नाइट्रो प्लैटिनम. और कितना चार्ज होगा इस पे कितना चार्ज होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर इस पे तो चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, इस पे माइनस का वन होता है. ये भी HNO2 है तो ये माइनस का वन है, तो प्लस का टू होना चाहिए उसके ऊपर. जरा चाहिए क्लोरिडो, क्लोरिडो पहले नहीं आएगा, क्लोरिडो ये गलत लिखा हुआ है. अच्छा, ये ऑप्शन दे रखा है, मैं भी ऐसे दिमाग खराब हो रहा है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा वाला सही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है. मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नोबिल, दाड़ा ना ना. चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या बनेगा, डायमाइन क्लोरिडो, ठीक है, उसके बाद नाइट्रो प्लैटिनम सेकंड. तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम सेकंड, ये वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है. दैट इज अमेजिंग. ये प्लैटिनेट लिखा हुआ है, गलत है, क्योंकि ये न्यूट्रल है. अब अगले सवाल पर चलते हैं. फाइनली आंसर इसका ये बन गया, आप लोगों को मालूम पड़ गया. आज का है हमारा टॉपिक आइसोमरिज्म. सबसे पहले आइसोमरिज्म क्या होता है, देखो भैया ऐसा है, आइसोमरिज्म क्या होता है. तो आइसोमरिज्म देखो, अगर हम लोग एग्जांपल दें, मान लो किसी माँ बाप के दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, दो जुड़वा बच्चे एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, मतलब कोई फर्क है ही नहीं, पहचानने वाले कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा. तो मतलब हम क्या कहेंगे उनका जो बच्चे बाहर निकले हैं उनका फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि माँ बाप सेम है. अगर दो बच्चे जुड़वा पैदा हो गए तो फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि माँ बाप सेम है, उनके जीन सेम है, तो फॉर्मूला तो सेम है. लेकिन फिर भी है तो वो दो बॉडीज है, तो वो अलग अलग, समझ में आ गया. तो बेसिकली हैं वो अलग अलग, तो उनके इसलिए नाम अलग अलग रखे जाते हैं. एक का नाम राम तो दूसरे का श्याम, एक का नाम सीता तो दूसरे नाम गीता. ऐसे थोड़ी हम दोनों का नाम सेम ही रख देंगे, तू भी राम, ऐसा तो नहीं होता. जुड़वा बच्चों के सेम नाम तो नहीं होते. तो यहां पर सीन क्या है, देखो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि भाई साहब फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बिकॉज बॉडी इज डिफरेंट. समझ में आ गया, दैट्स व्हाई देयर आयुपैक नेम इज ऑल्सो डिफरेंट. समझ में आ रहा है भाई, माँ बाप ने तो जुड़वा बच्चे पैदा किए, दोनों की शक्ल सेम, बट आज ये देखो ये दोनों भी सेम ही दिखते हैं. ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट, इनका नाम तो अलग अलग है तो दोनों हाथ, दोनों सेम दिख रहे हैं, बट ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, फिर भी नाम इनका अलग अलग रखा गया है ना, पॉइंट है ना. इसी तरह से जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो बेसिकली दोनों जुड़वा हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है क्योंकि सेम माँ बाप ने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम अलग अलग है.
एक का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम, एक का नाम सीता, दूसरे का नाम गीता, क्योंकि उनकी बॉडी अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो आइसोमरिज्म का मतलब यही होता है। व्हाट यू मीन बाय आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म का मतलब होता है, सबसे पहले तो वेटेज चेक कर लो, वेटेज मैंने बताया नहीं, इसका वेटेज कितना है। नीट के अंदर एक क्वेश्चन आता है चार नंबर का, उसके अलावा बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा टू या थ्री मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइसोमरिज्म ये आपका टॉपिक है। आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमरिज्म व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, माँ बाप सेम है, जीन सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट क्या अलग होता है? उनकी जो अरेंजमेंट होती है, जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, वो डिफरेंट है। आ गया समझ में? तो दैट्स वाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। चलो तो अब टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी चीज बता देना चाहता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, रूटीन बेस एग्जाम्पल तो सबने देखा होगा। देखो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैं अगर ये फॉर्मूला लिख दूं C2 और मान लो कि लिख दूं H4, C2H4 लिखा मैंने। अब C2H4 मैं आपको कहूं, चलो बताओ C2H4 का नाम क्या है, क्या बोलोगे? कौन बताएगा? C2H4 का नाम बताओ क्या है, जल्दी से बताओ C2H4 का नाम क्या है? दो कार्बन चार हाइड्रोजन में बोलो इसका आयोपैक नेम बताओ, क्या बताओगे? C2H4 का नाम कौन बताएगा? ये C2H4 का नाम कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? चैट सेक्शन में कोई लिख सकता है क्या? जल्दी से बताओ C2H4 का नाम क्या है? कोई भी नहीं बता रहा। अब ये यहां पर C2H4 में अनीश ने लिखा इथीन, कुछ ने लिखा इथाइलीन, कोई बोला इथेन, अरे ना लोग इथेन कहां से हो जाएगा, इथेन तो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, C2H4 की जगह अपन सपोज करो मैं ऐसा लिख दूं, रुको, C2H4 में तो नहीं, C3H6 में जरूर बन जाएगा, C3H6 में बन जाना चाहिए, सही बात है। तो अगर मैं बोलूं चलो C3H6 का नाम बताओ, आप C3H6 का नाम नहीं बता सकते हो। चलो C2H4 का तो सबने सही बताया, क्योंकि इसमें कोई आइसोमरिज्म है नहीं, दो कार्बन चार हाइड्रोजन में क्या आइसोमरिज्म बनेगा, नहीं। तो यहां पर C2H6 को अगर मैं बोलूं इसका नाम बताओ, आप इसका नाम बता ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बताऊं। मैंने तुम्हें बताया नहीं मैंने तीन कार्बन कैसे अरेंज करके रखे हैं और छह हाइड्रोजन कैसे अरेंज करके रखे हैं। पॉइंट नोट करो, मतलब यह है कि सपोज मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो, मैंने ऐसे अरेंज करा है, मतलब एक है CH3, एक है CH और एक है CH2, ऐसे अरेंज करा है। अब इसका नाम देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, छह, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन कहेंगे। लेकिन मैं जरूरी थोड़ी है मैं इसको ऐसे अरेंज करता, मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं तो इना मीना डीका, मैं ऐसे अरेंज कर दूं तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। मैं ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो। इसके साथ कितने आएंगे? दो। इसके साथ कितने आएंगे? दो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं, मतलब ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं कि तीन कार्बन छह हाइड्रोजन को मैं ऐसे अरेंज करता तो इसका नाम होता प्रोपीन, बट ऐसे अरेंज करता तो इसका नाम होता साइक्लोप्रोपीन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोप्रोपीन। क्या बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों? साइक्लोप्रोपीन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। भाई दो बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज हैं, समझ में आ गया, इनका आयुपैक नेम भी अलग होगा। Try to understand the isomerism concept. Isomerism का concept ये होता है basically कि उनका देखो formula same है। इसमें भी 6 carbon, 3 carbon, 6 hydrogen. इसमें भी 3 carbon, 6 hydrogen. But इसका नाम क्या है? Propene, क्योंकि structure ये है। इसका नाम क्या है? Cyclopropane, क्योंकि structure ये है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमरिज्म। अब हम चलते हैं कि देखो अभी आइसोमरिज्म में तो सबको जानते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमरिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें दो तरह के आइसोमरिज्म है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खुद एनसीईआरटी में चार तरह के दे रखे हैं, वैसे होने को 6 तरह के होते हैं, एनसीईआरटी में 4 तरह के हैं। एक तो हो गया आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, लिखते रहना, दूसरा हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, फिर उसके बाद लिंकेज आइसोमरिज्म, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ये चार तरह के आइसोमरिज्म है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ये चार पढ़ेंगे, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ये चार पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो आर यू गाइज रेडी टू सी दैट?
ये हम बाद में करेंगे, ये दोनों बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, उससे पहले आज हम लोग ये वाले करेंगे। तो मैं खाना नहीं खाया तो मैं खाना खाऊंगा, तो चार खत्म कर देता हूं फटाफट से। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट यहां पर क्या चीज डिफर करेगी, डिफरेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड जो होंगे बेसिकली वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, तो जरा आप चेक करो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, पहला वाला क्या है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, व्हाट यू मीन बाय आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में बेसिकली अगेन फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या है, फॉर्मूला सेम होने का मतलब यह है कि उसमें जितने भी एटम या एलिमेंट होंगे वो दोनों में सेम होंगे, लेकिन अभी भी उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, और वो भी किस वे से होगा, जब आप उनको आयनाइज करोगे तो आयन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखो मैं आपको तरीका बताता हूं इसको करने का। नाउ व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव्स अ डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन, उनका फॉर्मूला सेम है लेकिन जब आप उन दोनों कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आयन आपको देंगे। कैसे मैं आपको समझाता हूं, डोंट वरी। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये दोनों एग्जाम्पल दिए मैंने, अब आप ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ध्यान से देखो, आप इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, ध्यान से देखना दोनों एग्जाम्पल को। क्या पहले एग्जाम्पल में कोबाल्ट है, बिल्कुल एज इट इज, यहां पर भी है। मैं आपसे कह रहा हूं जो एलिमेंट लिए वो सेम होंगे, एलिमेंट सेम, सारा फॉर्मूला सेम है। जरा देखो इसमें भी कोबाल्ट है, उसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी पांच अमोनिया है, उसमें भी पांच अमोनिया है, इसमें भी SO4 है मतलब सल्फेट आयन है उसमें भी है, इसमें भी BR है और उसमें भी है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर BR कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यहां पर BR कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अब मजे की बात, जब आप इसको आयनाइज करने जाओगे, अगर मैंने इसको वाटर में डाला तो आपको क्या आयन मिलेंगे, एक आयन तो मिलेगा आपको ये कोबाल्ट, साथ में आपको मिलेगा अमोनिया पांच मॉलिक्यूल, उसके बाद BR ये मिला माइनस टू, एक तो ये आयन मिलेगा, सॉरी प्लस टू, एक तो ये आयन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा SO4 माइनस टू। तो आपके पास एक तो ये आयन मिल रहा है और एक ही आयन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी भी ब्रेक नहीं होती, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये पूरा एक मिलेगा आपको और ये एक मिलेगा आपको, आ गया समझ में। जबकि उस तरफ जाओगे जब इसको आयनाइज करोगे तो यहां पर आपको कोबाल्ट अमोनिया ठीक है और साथ में SO4 ये पूरा का पूरा एक मिलेगा, समझ में आ गया, जिसपे कितना चार्ज होगा माइनस का वन, सबको समझ में आ गया, सॉरी प्लस का वन ठीक है, क्योंकि बी आर पे माइनस का वन होगा और प्लस में आपको क्या मिलेगा बी आर माइनस का वन। तो बेसिकली यहां क्या हुआ, यहां पर आपको SO4 माइनस टू आयन मिल रहा है और वहां पर बी आर माइनस वन आयन मिल रहा है। नाउ इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, मतलब जब आयनाइज किया तो आयन ही डिफरेंट डिफरेंट मिले। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि कोई आपको मटेरियल दे दे तो उसमें दिखता थोड़ा ही है, तो मैं आपको समझाता हूं इसका तरीका क्या होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले मान लो आपने इसको डाला ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो कंपाउंड है उसमें BaCl2 के अंदर यानी बेरिलियम क्लोराइड में, बेरियम क्लोराइड में आपने इसको डाला, जैसे आपने इसको बेरियम क्लोराइड में डाला तो क्या होएगा, जरा ध्यान से चेक करना, ये पूरा एंटिटी एक साथ मिल जाएगा आपको और साथ में बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, मतलब ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बेरियम सल्फेट बना लेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ये पहचानने का तरीका है कि भैया आयन कौन सा बाहर है, अगर यहां पर SO4 आयन अंदर होता तो ये रिएक्शन नहीं होनी थी, व्हाइट पीपीटी नहीं मिलता। अब SO4 बाहर है तो ये SO4 क्या कर रहा है, बेरियम के साथ रिएक्ट करके BSO4 का व्हाइट पीपीटी दे देता है। नाउ दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज द इंडिकेशन, समझ में आया। अगला वाला देखो, और अगर मान लो कि आप ये वाला लेते, ये वाला लिया और उसमें आपने AgNO3 डाल दिया, तो आपको भी पता है कि सिल्वर क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके येलो कलर का पीपीटी देगा, पेल येलो कलर का पीपीटी देगा। तो दोनों में फर्क देखा आपने, आपने जैसे ही, आपको तो पता नहीं था दोनों जो है कंपाउंड के फॉर्मूले तो सेम ही थे, समझ में आया। एक में आपने बेरियम क्लोराइड डाला तो आपको व्हाइट पीपीटी मिला, एक में आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो आपको येलो पीपीटी मिला। तो इससे आपको इंडिकेशन हो गया कि भैया एक्चुअल में फॉर्मूला कैसा है, व्हाइट पीपीटी मिला इसका मतलब SO4 बाहर है और येलो पीपीटी मिला मतलब ब्रोमीन ब्रोमाइड ये आयन बाहर है, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है इनको पहचानने का। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो ओवरऑल कहानी ये है, समझ में आ गया। तो अगर BSO4 सॉल्यूशन में जैसी ऊपर से आपने बेरियम सल्फेट डाला, ध्यान से समझो, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
उसमें जैसे ही आपने बैरियम क्लोराइड डाला तो तुरंत यहां पर व्हाइट पीपीटी मिल गया। व्हाइट पीपीटी मिलने का साफ इंडिकेशन है कि यहां पर BSO4 प्रेजेंट है। सबको समझ में आ गया। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डाला तो जैसी पेल येलो पीपीटी मिला मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, बेसिकली AgBr बन चुका है, यानी कि ब्रोमीन आयन बाहर था। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आयन अलग अलग होंगे, फॉर्मूला तब भी सेम ही है, एलिमेंट सारे के सारे सेम ही है, फॉर्मूला सारा का सारा सेम ही है, आयन ही डिफरेंट है ना। तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। अब हम चलते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। पहले बताओ आयनाइजेशन आइसोमरिज्म किस किस को समझ में आ गया, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म किस किस को समझ में आ गया, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आयन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे किस किस को समझ में आ गया, चैट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के बताओ, कौन कौन है यहां पे चैट सेक्शन में, जल्दी से बताओ, जल्दी से। पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंजू रुल दे, गिटार विटार नहीं आता ज्यादा, उम्मीदें मत लगा के बैठना कि अरिजीत सिंह बाहर निकलेगा। समझ में आ गया। तो ऐसा अरिजीत सिंह बाहर नहीं निकलने वाला। अगला वाला नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होता है, अगेन फॉर्मूला सेम होएगा, सारे एलिमेंट सेम होएंगे, बट कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पानी जो वाटर मॉलिक्यूल है एज अ लिगेंड काम करेगा वो डिफरेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म में सारा फॉर्मूला सेम होएगा लेकिन H2O मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड वहां पर डिफरेंट होगा, एज अ लिगेंड H2O मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, चलो एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल देखने से ज्यादा समझ में आएगा। नाउ विल सी एग्जांपल, जरा आप इन दोनों को देखो, हाइड्रेट आइसोमरिज्म देखते ही मालूम पड़ जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों में क्या फर्क है तो जरा ध्यान से देखो, इधर भी क्रोमियम है, इधर भी क्रोमियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी पानी है, छह मॉलिक्यूल है, इधर भी पानी है, पांच मॉलिक्यूल ये रहे और एक मॉलिक्यूल है, तो छह ही ना, पूरे फॉर्मूले तो सेम ही है। इधर तीन क्लोरीन है, इधर भी तीन ही क्लोरीन है, दो ये रहे और एक ये रहा, है तो सब सेम, लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर यहां पर छह वाटर के लिगेंड है, वाटर के मॉलिक्यूल है छह, जबकि यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पांच ही है। तो अब अभी भी अगर मैं पूछूं कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो छह ही है, क्यों, क्योंकि यहां पर छह वाटर के मॉलिक्यूल है, यहां पर पांच और एक क्लोरीन है, इन दोनों को मिला के अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर छह ही है। समझ में आ गया। तो इनका फॉर्मूला सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इस वाले में यहां पर छह वाटर के मॉलिक्यूल है जबकि यहां पर पांच वाटर के मॉलिक्यूल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया। तो पानी जब डिफरेंट डिफरेंट होता है, समझ में आ गया, इज दिस क्लियर, हाँ सही बात है हर्ष राजपूत, जैसे तेरे पापा बजाते हैं वही कर रहा हूं बेटा मैं, हाँ तो मैं कौन सा कह रहा हूं, मैं अरिजीत सिंह हूं। हाँ तो ज्यादा छाने मत भरो बेटा, और हर्ष राजपूत थोड़ा संभल के बेटा, थोड़ा संभल के, तेरे पापा भी हैं जो ये देखते होंगे और वो सोचते होंगे क्या आदर्शवादी बेटा पैदा किया है मैंने, नहीं, अब एक बार पापा को भी ये बोल के आना, पापा तुझे कुछ, पापा कभी गा रहे हो तो बोलना कि गाना गा रहे हो, बोलना एक बार तेरे पापा को भी बोल के आना, अच्छा लगेगा उनको, बहुत ही बढ़िया लगेगा, जैसे आदर्शवादी शब्द तूने यहां लिखे हैं बेटा, एक बार पापा को भी बोलना, उनको बहुत खुशी होगी, और वो कहेंगे मैंने क्या लाल पैदा किया है, वाह ऐसा लाल की चमाट मार मार के उसका गाल लाल कर दूं, ऐसा बोलेंगे। तो अब जरा समझो, अच्छा किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म का क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का कंपैरिजन करो, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो, यहां पर बताओ क्रोमियम कितने हैं, एक, वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, छह, और क्लोरीन कितने, तीन, वहां पे भी उतने मिलेंगे, चेक करो, ये एक क्रोमियम, वाटर के मॉलिक्यूल छह और ये तीन, है कि नहीं है। और मैं बोलूं यहां पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो छह, क्यों, क्योंकि छह वाटर के मॉलिक्यूल है, वो तो बाहर है। अब आ जाओ इधर, क्रोमियम कितने यहां पर, एक, वाटर के मॉलिक्यूल कितने बेटा, छह,
टोटल तो छह ही है ना, ये रहे पांच और एक पूरे मॉलिक्यूल में छह ही है। मैं पूछूं कि क्लोरीन कितने, तो कितने बोलोगे, तीन। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो भी छह ही। तो देखो दोनों में क्या है, दोनों में क्रोमियम सेम है, पानी के मॉलिक्यूल सेम है, क्लोरीन सेम है, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पर टोटल एंटिटी के अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने दिखाई दे रहे हैं, छह। आंखें खोल के, चाइनीज आंखों को खोल के देखो, यहां पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल, पांच। तो वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, समझ में आ गया। बस इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी तो होता है। व्हाट यू मीन बाय हाइड्रेट, पानी तो होता है, ये मतलब निकलता है इसका। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको एक मजेदार बात समझाता हूं, सिर्फ पानी के फर्क से ये होता है वॉयलेट से कलर का, जबकि ये होता है ग्रीन से कलर का, दैट इज अ डिफरेंट। ये वॉयलेट से कलर का होता है ये वाला, सिर्फ पानी के मौजूदगी और ना मौजूदगी वजह से ये वॉयलेट कलर का होता है, जबकि ये ग्रे ग्रीन कलर का होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। सबको समझ में आ गया। अब अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमरिज्म। अगला कौन सा है, लिंकेज आइसोमरिज्म। अभी किस किस को समझ में आ गया, इससे लिंकेज आइसोमरिज्म से पहले बताओ किस किस को हाइड्रेट आइसोमरिज्म पूरा समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से, शाबाश। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया, तो उसके बाद लिंकेज आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। लिंकेज आइसोमरिज्म, हाय होए, सबको समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया। अगला लिंकेज आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं। हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो गया हमारा, नाउ लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म किस में पाया जाता है, लिंकेज आइसोमरिज्म एम्बिडेंट लिगेंड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एम्बिडेंट लिगेंड में। ध्यान से समझना, जहां पर एक ऐसा लिगेंड है जिसमें एक से ज्यादा साइट होती है डोनेट करने की, समझो, एक ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा साइट होती है डोनेट करने की। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एग्जांपल के तौर पे एम्बिडेंट आप CN को भी ले सकते हो। आपको पता है ना कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, माइनस, और इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर, ये एम्बिडेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। लिंक अगर कार्बन के साथ है तो अलग कंपाउंड बनेगा, और नाइट्रोजन के साथ है तो अलग कंपाउंड बनेगा। एक और एग्जांपल ले लो, NO2 में अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो अलग कंपाउंड बनेगा, और ऑक्सीजन दे रहा है तो अलग कंपाउंड बनेगा। तो बेसिकली क्या है, ये उन कंपाउंड्स में होता है जहां पर एम्बिडेंट लिगेंड हो। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, जिसके पास एक ही स्पीसी के अंदर एक से ज्यादा साइट होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। एग्जांपल देखो, ठीक है, अब देखो एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान से चेक करना, एम्बिडेंट लिगेंड कौन से होते हैं। ये एम्बिडेंट लिगेंड है, कौन, NO2। कैसे, अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो इसको बोलेंगे नाइट्रेटो N। नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो क्या लगाओगे, नाइट्रेटो N। जबकि अगर आप यहां पर NO2 में ऑक्सीजन से डोनेट करवाओगे तो वो क्या कहलाएगा, नाइट्रेटो O। क्या कहलाएगा, नाइट्रेटो O। दोनों डिफरेंट है। यहां पर जो लिगेंड है आपका, बेसिकली वो क्या कर रहा है, अलग अलग साइड से डोनेट कर रहा है, अलग अलग साइड से डोनेट कर रहा है। यहां पर किससे डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन से। यहां पर किससे डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब आप जरा चेक करो, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, कौन सा वाला, HCN। HCN में अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। जबकि अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो। सो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन द डोनर साइट। यहां पर कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। यहां कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। यहां कौन डोनेट कर रहा है, सल्फर। यहां कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। जबकि फॉर्मूला सेम है, यहां पर कौन है, NO2। यहां भी कौन है, NO2 ही है। यहां पर कौन है, HCN। यहां कौन है, HCN। सेम ही है, समझ में आया। तो एग्जांपल देखो, लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। अब एक और मजे की बात बता देता हूं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल ये जो आइसोमरिज्म है, इनमें IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर सेम है, सॉरी फॉर्मूला सेम है, तो डिफरेंस कहां पर आता है, स्ट्रक्चर में और IUPAC नेम में। तो अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, ये एग्जांपल और एग्जांपल आपको दे रखा है। अब मैं कोई पूछूं आपसे, जरा ध्यान से समझना, इसमें और उस कंपाउंड में बताओ कोबाल्ट कितने हैं, दोनों में 1-1, इसमें भी 1 है उसमें भी 1 है। अमोनिया कितने हैं, यहां भी 5 है वहां भी 5 है, चेक करो। NO2 कितने हैं, यहां भी एक ही है वहां भी एक ही है, वहां पर NO2 की फॉर्म में लिखा है, वहां पर ONO की फॉर्म में। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है,
वहां पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, सिर्फ डोनर साइट डिफरेंट है। क्लोरीन कितने हैं, यहां भी दो है वहां भी दो है, तो फॉर्मूला तो सेम हुआ, फर्क कहां है? फर्क ये है कि यहां पर NO2 लिखा है इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पर ONO लिखा है इसका मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। यहां पर क्या नाम लिखोगे, नाइट्रीटो N, यहां पर क्या लिखोगे, नाइट्रीटो O। समझ में आया, ये फर्क है। अभी क्लैरिटी होगी कंपाउंड में, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन डोनर साइट है, देखो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, जबकि अगर दूसरी तरफ देखोगे तो दूसरी तरफ आपको कौन सी साइट दिखेगी, दूसरी तरफ आपको ऑक्सीजन दिखेगा डोनेट करता हुआ। ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो, और ये कौन है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है जो डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन है जो डोनेट, ऐसे कर लेता हूं मैं ताकि तुम, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, देखो हाँ अब ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, ऐसे करके मैं कैसे उड़ता पतंगा सा लग रहा है, मैं उड़ जाऊंगा ऐसे करके, यूं करके, है ना। तो समझ में आया सबको कि एक तरफ तो डोनर साइट अलग है, दूसरी तरफ डोनर साइट अलग है, तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। सबको समझ में आ गया, लिंकेज आइसोमरिज्म सबको क्लियर है। अब मजे की बात, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो ये हल्दी कलर का पाउडर है, मतलब इस कंपाउंड का रंग ऐसा होता है, जबकि अगर आप लोग ऑक्सीजन डोनेट करने वाला जो कंपाउंड है बेसिकली वो थोड़ा डार्क होता है। ये शादी वाली हल्दी है और ये शादी के बाद वाली हल्दी है, समझ में आ गया, ये शादी वाली ताजा ताजा हल्दी है और शादी करने के बाद इंसान खत्म हो जाता है, तो बेसिकली ये वो वाली हल्दी है। समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा यहां पर, किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से लिख के बताओ फटाफट से, किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, शाबाश, आ गया सबको समझ में। तो अब सैफ्रन कलर दो सेकंड वाला, ठीक है, तो समझ गए होगे तुम लोग ये और ये। अब हम चलते आगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद देखते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसमें पाया जाता है, जिसमें देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हो, उसमें कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। मतलब समझो, मैं समझाता हूँ, चिंता क्यों करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करने का, मेरे प्यारे बच्चों सपोज करने का, कि ये मेटल नंबर वन है, उसके साथ लिगेंड नंबर वन जुड़ा हुआ है, ये इसकी पॉजिटिव एंटिटी मान लेते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड है। ये मेटल नंबर टू है और इसके साथ लिगेंड नंबर टू जुड़ा हुआ है, ये टोटल पूरा कंपाउंड एक ही है। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा भी पॉसिबल है कि उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसी दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली होती है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है। समझ में आ गया। अब आप इंटरचेंज कर दो लिगेंड को, मैं अगर ऐसा कर दूं तो M2L1 और यहां पर क्या कर दूं M1L2। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, मेटल वही है लिगेंड वही है, लेकिन इंटरचेंज कर दिया, यहां पे मेटल वन के साथ लिगेंड वन था, जबकि यहां मेटल लिगेंड वन के साथ मेटल टू है। सबको समझ में आ गया, दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां मेटल वन के साथ लिगेंड वन है, जबकि यहां पर लिगेंड वन के साथ मेटल नंबर टू है, दोनों में फर्क। यहां पर मेटल टू के साथ लिगेंड टू था, जबकि यहां पर लिगेंड टू के साथ मेटल वन है, दोनों में फर्क है। समझ में आ गया, ऐसे को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लाइव एग्जांपल देता हूं, जरा देखो एग्जांपल लो, मतलब ऐसे आइसोमेरिज्म बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स ही होते हैं और उसमें सिर्फ लिगेंड का या फिर मेटल का फर्क होता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, दिस इज द एग्जांपल, अब आप गौर से देखना, मैं आपको दिखाता हूं, आप इस पूरे को देखो, ध्यान से देखो, इस पूरे को देखो आप और इस पूरे को देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, फटाफट से बताओ। अब देखो यहां पर दोनों में फर्क क्या है, आप देखोगे कि यहां पर कोबाल्ट के साथ कौन है, अमोनिया, और क्रोमियम के साथ कौन है, साइनो। यहां पर कोबाल्ट के साथ कौन है, साइनो, और क्रोमियम के साथ कौन है, अमोनिया। समझ में आ गया फर्क है ना, यहां पे क्रोमियम के साथ साइनो था, अब वहां पर क्रोमियम के साथ अमोनिया है। ऐसे एग्जांपल किसमें आते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन ही डिफरेंट डिफरेंट है पर दोनों एंटिटी कोऑर्डिनेशन की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये हुआ आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, किस किस को समझ में आ गया, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो तब जितना पढ़े हो उसमें आप करते हैं सवाल, तो कौन कौन बच्चा पार्टी तैयार है जल्दी से बताओ। दिल संभल जा जरा, मानिंग
चलो ओके किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहां है जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से यही फासले हैं पसी जिसे हैं सपने क्यों आंखों में जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई के आ गई है लौट के यहां जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई के आ गई है लौट के यहां पहला सवाल आपके सामने रख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू करके बताओ जल्दी से मैं आपके लिए गाना गाता हूं पानी दा रंग बैक के अखियां चो हंजू रुड़ दे एक कबीरा मान जा एक फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां हे फकीरा हे कबीरा हे फकीरा रे कबीरा हे फकीरा रे कबीरा हे फकीरा रे कबीरा सवाल पूछा गया है तुम लोगों से काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट इन दिस जरा बताओ क्या कौन सी आइसोमरिज्म है पानी के मॉलिक्यूल वहां पर कितने हैं छक्का यहां पर कितने हैं पंजा आंसर क्या होगा हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या आंसर बनेगा बी बी आंसर बनेगा सबको समझ में आ गया चलिए तो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन टूटी चार पाई वही ठंडी पुरवाई रसता देखे दूध की बनाई वही ठंडी पुरवाई रसता देखे मैं कबीरा मान जा फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया What kind of isomerism exists in this? NO2NONO, linkage isomerism, चकदे फट्टे नपदे गिल्ली, बिल्कुल सही है शाम नुदिल्ली, सुबह से अंदर शाम नुदिल्ली, आंसर सही है एकदम. So finally आपको पता लग गया इसमें linkage isomerism होगा, बल्ले बल्ले, क्या बात है? एक कबीरा मान जा, हे फकीरा यूं न जा. आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां आज खत्म हो गया जान दो बल्ले बल्ले होमवर्क कल दल लो दिस इज द होमवर्क चेक करो एक होमवर्क है तुम्हारा आपको क्या करना है गिव एविडेंस दैट दिस एंड दैट आर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आपको बताना है कि एक एविडेंस दो जिसमें आपको पता लग जाए कि ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है
तो अगर आप यहाँ पर BACL2 सिलेक्शन कराओगे तो वाइट पीपीटी आएगा, और यहाँ पर AGNO3 सिलेक्शन कराओगे तो यहाँ पर AGCL का भी वाइट पीपीटी होता है। तो कैसे पता करोगे, तो वो आपको बताना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करके बता सकते हो। अगला सवाल है द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में किस तरह का आइसोमरिज्म शो हो सकता है, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन एंड लिंकेज। तो यहां पर लिंकेज होगा क्योंकि SCN दिया हुआ है, SCN को चेंज कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको, दिस इज द होमवर्क, ठीक है। सो फाइनली गाइस, कल मिलेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के साथ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि भैया अगर आप लोगों ने वेदांतों का लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन नहीं किया तो बेटा कर लो, 2021 and 2022 बहुत बिंदास। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और कूपन कोड है आपका APRO, जिसको लगा के आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली बल्ले बल्ले कर सकते हो। तो जाओ फटाफट से वेदांतों के पेड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो 2019 का व्यू चॉइस अवार्ड मिला है, आप फटाफट से डाउनलोड करो, और इसके साथ आपको चांस मिल सकता है किसका, टी शर्ट जीतने का, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो। तो 50,000 बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वेदांतों नीट ऑफिशियल हमारा एकमात्र टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अलावा कोई नहीं है, वहीं पे हम लोग PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और दिल बड़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने खूबसूरत गाने सुनाए तुम लोगों को, तो लाइक तो कर दो, दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करके जाना, इट्स अ रिक्वेस्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अपनी फैमिली और अपना ही परिवार है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद दौड़ा साइनिंग आउट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।